नमस्कार, क्या हाल है? तो खैर, हम कल लगाने वाले थे एक तीर से दो निशाना, खैर लग नहीं पाया। मतलब कि ये हम गल गए थे पकड़ी मार्केट का वीडियो बनाने के लिए। तो सोचा था कि पकड़ी मार्केट का वीडियो बनाने के बाद में मतलब कि बेहर का वीडियो बनाने के लिए हम निकल लेंगे, तो जा नहीं पाए थे कल क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था रास्ते में। तो जैसे हम पकड़ी का वीडियो मतलब बनाए, उसके बाद में पानी बरसने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार अब चलो लौट चलते हैं, नहीं तो ज़्यादा जब बारिश हो जाएगी तो थोड़ा दिक्कत में हो जाएंगे, और शाम भी हो रहा था। तो फिर हम पकड़ी से वापस आ गए थे, और जब पकड़ी से वापस चले फिर पानी बरसने लगा, फिर मैंने रास्ते में रुक गए। उसके बाद में थोड़ा देर में उतरौला में फिर पहुँचे, उसके बाद में रात बिताया उतरौला में। फिर आज सुबह हुआ, सुबह थोड़ा फ्रेश रह रहे हैं, उसके बाद में अब जा रहे हैं हम खैर बेहर का वीडियो बनाने के लिए। तो यार वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, और चलते हैं यार बेहर के लिए। As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see now. तो खैर, आज का मौसम भी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल एकदम से धूप नहीं निकला है, बादल का मौसम है मस्त मस्त वाला। भाई आ गए अभी हम बेहर बाजार में। ये है बेहर बाजार, और ये भी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है, उतरौला के का करीबी मार्केट है ये। और तो ये मार्केट कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब कि आप देख लो सड़क के बीच में मार्केट पड़ती है, और दोनों तरफ दुकानें मतलब ज़बरदस्त दुकानें हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल सेम इसी तरह का ये मार्केट है। और भाई बड़ा लंबा मार्केट है, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी दूर हम आ गए पर ख़त्म नहीं हुआ। चलो खैर, कहाँ तक पड़ता है आपको दिखाते चलते हैं। खैर बाइक राइड करके ही दिखाना ठीक रहता है, क्योंकि इतने लंबे मार्केट का हम उस तरह से वीडियो बना नहीं पाएंगे, तो बाइक राइड करने में थोड़ा आसानी होती है और इससे पूरी मार्केट भी दिख जाती है। तो खैर आज मैंने सोचा कि चलो बाइक राइड करके ही पूरा मार्केट दिखा दें। ये देख लो इस तरह से मार्केट का व्यू है, यहाँ पर बड़ा घना बाजार है। ये देख लो भाई, यहाँ पर भी फल वल बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे हैं, और देख लो कितने लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ही घना मार्केट है ये। और ये देख लो भाई, और एक मंदिर, कितनी अच्छी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ये देख लो बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर है, देख लो कितना अच्छा मंदिर है। और यहाँ शायद एक रोड गया है अंदर की तरफ, यहाँ इधर भी थोड़ा बहुत मार्केट है, और इधर तो मार्केट है ही। तो खैर अब मार्केट के बिल्कुल एकदम लास्ट में आ चुके हैं हम, लगता है अब यहाँ से मार्केट की मार्केट ख़त्म हो चुका है यहाँ से। ये लो मार्केट यहाँ से ख़त्म, और यहाँ प्राइमरी स्कूल भी मिल गया है, उसके बाद में यहाँ घर वर मतलब बने हुए हैं, अब यहाँ से मार्केट ख़त्म हो जाती है। खैर मैंने बाइक राइड करके मतलब कि पूरा मार्केट दिखा दिया आप लोगों को, और काफ़ी लंबा मार्केट था, अगर बाइक राइड नहीं करते तो शायद इतना लंबा मार्केट अच्छे से दिखा नहीं पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार बाइक राइड करके ही अपने दोस्तों को दिखाते हैं। और इधर गाँव पड़ जाता है, ये देखिए मतलब मार्केट के एकदम बगल में एक सड़क गया हुआ है, यहाँ एक गांव है, और अंदर भी एक सड़क उस मतलब साइड में गया हुआ है,
वहाँ पर एक बहुत बड़ी मंदिर मुझे दिखी और मैं सोच रहा हूँ कि अब मंदिर के पास चलूँ, थोड़ा सा मंदिर का भी सीन दिखा दूँ। ये मंदिर ही जैसा मुझे लग रहा था, शायद मंदिर ही होगा, तो चलो यार वहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। खैर अभी हम मंदिर के पास में आ चुके हैं। ये है मंदिर का गेट और इसके बाद में ये देख लो, ये मंदिर कुछ इस तरह से है, मगर ये नया मंदिर अभी बन रहा है, शायद मंदिर ही है। मतलब कि वहाँ पर देख लो कुछ मतलब बाजा वाजा लगा है, माइक वाइक जो भी होता है, और ऊपर का सीन देख लो कुछ इस तरह से मतलब दिखता है, और काफ़ी अच्छा और बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि ये अशोक का पेड़ है, और यहाँ पर एक लेंस भी लगाया गया है लाइट के लिए, और मतलब चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, ये देख लो। और बीच में मंदिर बन रहा है, अभी फिलहाल नया मंदिर है और अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ये देख लो कुछ इस तरह से इसका दृश्य दिख रहा है। तो भाई पेहर का सबसे बड़ा मंदिर यही है, और इसका मतलब दृश्य आपको दिखा दिया है। काफ़ी सुंदर मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, मतलब कि अभी ये अधूरा है, मतलब तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। फिलहाल यहाँ पर बाजा वाजा लगा है मैंने देखा, और जब ये तैयार हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा मंदिर होगा, काफ़ी सुंदर मंदिर होगा, बहुत ही अच्छा इसका नज़ारा होगा। तो भाई देख लो ये बेहर मार्केट का मंदिर, और ये मतलब मार्केट से थोड़ा बगल में रास्ता आया हुआ है, तो रास्ते पर ये मंदिर पड़ता है। खैर अब हम मार्केट में फिर से एक बार आ गए, और यहाँ पर सरस्वती ज्ञान मंदिर एक स्कूल है, और उसके सामने अभी आप देख सकते हो तो ये ज्ञान सिंह इंटर कॉलेज भी है यहाँ पर बेहर बलरामपुर। तो खैर अभी हम बेहर मार्केट के एकदम बीचों बीच में खड़े हुए हैं, और बीच में मतलब कुछ इस तरह से मतलब यहाँ दिखता है मार्केट का सीन जो भी है। और बेहर मार्केट मतलब डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है, और उतरौला का बहुत ही करीबी मार्केट है, ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। वापस चल रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये पेहर बाजार आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों कैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना। और अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक।